और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इराक से, जहां ईरान के ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है जबकि 58 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ईरान की तरफ से यह हमला उत्तरी इराक के उस हिस्से पर किया गया जो ईरान विरोधी कुर्दिश गुट का ठिकाना बताया जाता है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ईरान का इराक पर ड्रोन से हमला हुआ है और इस हमले में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इधर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% करने का फैसला लिया। इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले 62 लाख पूर्व कर्मचारियों को फायदा होगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया। भगत सिंह की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। शनिवार से शुरू होने वाले ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसकी कमान हनुमा विहारी को सौंपी गई। रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का मुकाबला 2019-20 की रणजी चैंपियन सौराष्ट्र से होगा। खबर है कि कई और देश तुर्की से उसका बेहद ताकतवर बारख्ताश TB2 ड्रोन खरीदने की होड़ में शामिल हो गए। यूक्रेन ने तुर्की के इस खतरनाक ड्रोन की मदद से रूसी सेना पर जमकर कहर बरपाया, जिसके बाद दुनिया भर में उसकी ताकत का ऐसा डंका बजा कि कई देश इसके खरीदारों की कतार में खड़े नजर आने लगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अब मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी तुर्की से इसी ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। खबर है कि जल्द ही इन दोनों देशों की तुर्की के साथ ड्रोन की डील पर मोहर लग जाएगी, जिसके बाद ये ड्रोन उनकी सेना की ताकत बढ़ाने के काम आएगा, ठीक उसी तरह जैसे इसने रूस की शक्तिशाली सेना के सामने लड़ रही यूक्रेन की सेना में जान फूंक दी। उसके लिए तुर्की का ये ड्रोन किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हुआ। उसने पुतिन की फौज का वो हाल किया कि उसके जवानों को जान के लाले पड़ गए। इस ड्रोन के हमलों ने जंग में पुतिन के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ा दिए। और बारख्ताश TB2 ड्रोन की इसी ताकत को देखकर अब इंडोनेशिया और मलेशिया भी इसके मुरीद हो गए, जबकि इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इससे पहले ही 24 और देश बारख्ताश TB2 ड्रोन खरीदने के लिए करार कर चुके हैं, जो ये दिखाता है कि तुर्की का ये ड्रोन जंग के मैदान में कितना कामयाब है। असल में यूक्रेन जंग के साथ ही ये ड्रोन पिछले दिनों अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़ी जंग में भी अपना लोहा मनवा चुका है। अजरबैजान ने दावा किया था कि उसकी सेना ने नागोर्नो कराबाख में छिड़ी जंग में आर्मेनिया के कई ठिकानों को इस ड्रोन की मदद से तबाह कर दिया। असल में करीब 2 साल बाद इस इलाके पर कब्जे को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया एक बार फिर आमने सामने है। दावा तो ये भी है कि इससे पहले 2020 में छिड़ी जंग में भी तुर्की के इस ड्रोन ने आर्मेनिया की सेना की कमर तोड़ दी थी। इसीलिए तुर्की के इस ड्रोन की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हथियार में होती है। ये ड्रोन 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर है। और तो और, तुर्की का ये हथियार 150 किलो तक का वजन उठा सकता है।